फ्रेंड्स कैसे हैं सब उम्मीद है जी सब कैरिक्स होंगे आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ केसरिया प्रिमसन एंड जहा के आर्टिकल सो वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाती हूँ आपको आज के डिजाइन सबसे पहले जो ड्रेस है मेरे पास जहा का आर्टिकल है बहुत अच्छा और हिट आर्टिकल है जहा का वी नेक लाइन है वी नेक लाइन का क्योंकि गला हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है सो इसमें हमने इसकी कुछ एम्ब्रॉयडरी कट कर दी है और साथ में इसमें पल की अटैचमेंट्स लगा दी हैं अब आपको दिखाऊंगी फ्रंट बैक दामन इसके जो पैनल है पैनल इसके जो है वो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ कट किए हैं देन उसके बाद इसका दामन है दामन में इसके कटवर्क और लूप्स का सीक्वेंस है पहले इसमें कटवर्क बनाए हैं सेम शेड में देन उसके बाद लूप्स लगाए हैं व्हाइट कलर में देन उसके बाद व्हाइट कलर में इसके नीचे जो है वो लेस फिक्स की है जिसे कटवर्क वाली पट्टी के साथ इन फिक्स कर दिया गया है ये देखें लेस आप कोई भी ज्वाइंट कर सकते हैं लेकिन अगर गैप्स वाली लेस हो तो ज्यादा अच्छी लगती है लूप्स आप डबल कलर्स में भी यूज कर सकते हैं लेकिन वाइट के साथ ज्यादा अच्छी ग्रेस आ रही है इस वजह से वाइट ही रहने दिए हैं साइड स्लिट्स में छोटी छोटी लेस फिक्स की हुई है वाइट कलर में कुछ इस तरह से इसमें फैशन पट्टी यूज की है फैशन पट्टी के लिए स्टफ यूज किया है लॉन क्योंकि इसके साथ स्टफ मिल नहीं रहा था सेम शेड अवेलेबल नहीं था सिल्क में सो इसमें हमने लॉन स्टफ यूज किया है ये इसकी बैक साइड है बैक साइड कुछ इस तरह से है वी नेक है इसकी ये पान शेप गला या स्वीट हार्ट नेक लाइन भी बोलते हैं इसको इसकी शर्ट की जो लुक है वो थोड़ी सी ए लाइन है बैक दामन में कुछ इस तरह से जो है वो एंकर थ्रेड यूज हुआ हुआ है और साथ में उसमें ज्वाइंट लेस फिक्स की भी है ताकि फ्रंट का जो बॉर्डर है उसके इक्वल इसको जो है वो मैनेज कर लिया जाए ये देखें बैक साइड में भी इस तरह से फैशन पट्टी है साथ में ज्वाइंट लेस और एंकर थ्रेड की सिलाइया लगाई हुई हैं अब बारी है स्लीव की स्लीव इसके स्ट्रेट टू बेल है स्लीव के सामने कुछ इस तरह से डिजाइनिंग बनी हुई है कटवर्क है साथ में लूप्स हैं साथ में लेस है और बॉर्डर को साथ में फिक्स किया हुआ है जैसे फ्रंट दामन में डिजाइनिंग है सेम ऐसे ही डिजाइनिंग है जरूरी नहीं कि आपने ये डिजाइनिंग जहा के ड्रेस पर ही बनानी है आप किसी भी प्लेन ड्रेस पर अगर ये डिजाइनिंग बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये देखें अब चलते हैं इसकी शिलवार की तरफ इसके साथ शिलवार है शिलवार का पांचा कुछ इस तरह से बना हुआ है ये देखें कटपक्स बनाए हैं अल्टरनेट कटपक्स हैं ओपोजिट साइड्स में बने हुए हैं उसमें लेस लेस फिक्स फिक्स की भी की हुई हुई है है इन साइड्स ये ऐसे पांजे में नीचे की तरफ भी लेस जो है वो बढ़ाकर लगाई हुई है मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ कि शलवार जब आपने पहनी हुई हो होगी तो लुक कैसी आएगी लुक जी कुछ इस तरह से आएगी जब आपने शलवार पहनी हुई हो होगी ये देखे छोटे छोटे इसमें पर्ल्स अटैच किए हुए हैं ताकि गैप जो है वो कम से कम रहे बेल्ट इसकी जो है वो प्लेट्स के साथ है और कुछ इस तरह से इसमें लास्टिक फिक्स नहीं किया क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि इसमें लास्टिक ना हो सो तो इसमें जस्ट प्लेट्स इसमें जो है वो फिक्स किए हुए हैं और ये इसकी बेल्ट है ये देखिए शलवार की लुक दिखाती हूँ आपको एक दफा किस तरह से शलवार की लुक है ये देखें जी ये शलवार की लुक है कुछ इस तरह अब आपको दिखा रही हूँ इसका दुबट्टा दुबट्टे का स्टफ जो है वो सॉफ्ट लॉन है और इसमें इस तरह से कटवर्क करवा के साथ में लेस फिक्स की हुई है और कट में लेस जो है वो व्हाइट कलर में फिक्स की है जैसे इसकी शर्ट के स्लिट्स में फिक्स की भी बिल्कुल उसी तरह से दोनों साइड्स में कट में लेस आ रही है इसी तरह इसके पल्लू किस तरह से बनाए हैं वो भी दिखाती हूँ ये देखे इस तरह से इसके पल्लू बनाए हैं पल्लू में ज्वाइंट लेस फिक्स की है घुम करके कुछ इस तरह ये देखे यहाँ पर जिग्जैग में लेस आ रही है आप जाए तो स्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं स्ट्रेट अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने जिग्जैग में यूज किया है ये देखिए इस तरह से जिगजैग में लेस यूज कर दी है

और साथ में जी में लेस फिक्स हुई हुई है और ये ज्वाइंट लेस है आपको नजर आ रही होगी जिग जेग में नजर आ रही है ठीक है अब आपको दिखाऊंगी शलवार का पांचा ये देखें जी ये शलवार का पांचा है और ये देखें छोटे साइज में पल्स लगे हुए हैं आप चाहे तो बड़े साइज में भी लगा सकते हैं लेकिन लुक छोटे साइज के पल्स के साथ ज्यादा अच्छी आ रही है ये स्लीव है ये देखें स्लीव अब आपको इसका दामन दिखाऊंगी कि दामन किस तरह से है वैसे तो स्लीव्स की तरह ही बना हुआ है लेकिन दामन की लुक भी बहुत नाइस आ रही है ये देखें ये इसका दामन है इनसाइड दिखाऊंगी इनसाइड फैशन पट्टी जो है लॉन तो का, का आर्टिकल है इसका इसमें जी हमने इस तरह मारियाबी वाली नेक लाइन बनाई है मैं इसे मारियाबी वाली नेकलाइन इसलिए कहती हूँ की मारिया भी के ड्रेसेस पर यह नेक लाइन आई थी और मुझे बहुत पसंद आई थी ये नेकलाइन बहुत अच्छी लगती है बनी भी इस तरह से इसमें जो है वो ओवल शेप्स इसमें हम कट कर लेते हैं और साथ में लेस फिक्स कर देते हैं बहुत अच्छा लगता है फ्रंट बैक, बैक दामन में कुछ इस तरह से इसमें हैं ये देखें सबसे पहले जॉइंट लेस है ट्राउजर का स्टफ यूज हुआ है देन उसके बाद, बाद अगेन इसमें लेस है और एंड में फिर शर्ट का ही फेब्रिक है इन फैशन पट्टी सेम ड्रेस के कलर की रखी गई है ताकि इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आए अगर इसमें कलरफुल पट्टी रख देते तो इसके जो फ्लावर्स हैं उनकी ग्रेस खत्म हो जाती सो so, इसमें फैशन पट्टी सेम बेस कलर में रखी है ये देखें ट्राउजर के फैब्रिक की फैशन पट्टी है और पिंटेक्स भी ट्राउजर के फैब्रिक पे ही बनाए हैं और गंजा पे नहीं बनाए हैं ये इसकी जी बैक नेक लाइन है बैक नेक लाइन भी कुछ इस तरह से है इसकी ये देखे बैक बिल्कुल सिंपल है बैक पे डिजाइनिंग नहीं है डिजाइनिंग जस्ट इसके फ्रंट पे है बैक दामन में जस्ट लेस फिक्स की हुई है जो लेस इसकी नेक लाइन पे आ रही है ना वही लेस इसके फ्रंट बैक दामन और स्लीव्स पर है ये देखे ये इसका बैक दामन है अब आपको दिखाऊंगी स्लीव भी सेम फ्रंट दामन वाला सीक्वेंस है दो लेसेज हैं सेंटर में पिंटेक्स की पट्टी है और सामने उसमें जो है वो लेस लगी हुई है फैशन पट्टी के साथ स्लीव जब आपने पहने में होंगे तो लुक जी कुछ इस तरह से आएगी ये देखें इस तरह से पिंटेक्स की पट्टी आप और गेंजा में भी बना सकती हैं मैंने एक्चुअली और में इनकी डिजाइनिंग बना दी थी इसी वजह से मैंने ये फैब्रिक में बनाई है ये इसका ट्राउजर है ट्राउजर का पांचा सिंपल स्ट्रेट है उसकी वजह यह है कि इसका फैब्रिक जो है वो ज्यादातर मैंने शर्ट में यूज कर लिया है सो ट्राउजर का पांचा जो है वो सिंपल रहने दिया है वैसे भी लाइट कलर है सिंपल पंचा अच्छा लगता है अब चलते हैं जी इसके दोपट्टे की तरफ दुपट्टे की दोनों लंबाइया एम्ब्रॉयड है, है कटवर्क बने हुए हैं दुपट्टे का जो पल्लू है उसमें ऊपर रखी पट्टी लगाई है प्रिंटेड पट्टी है और साथ में उसके साथ जो है वो लेस फिक्स कर दी है कुछ इस तरह से ये देखिए अब आपको दिखाऊंगी जी ऑल ओवर लुक ब्यूटीफुल नेक लाइन है स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका ये इसके स्लीव्स हैं स्लीव्स भी बहुत ब्यूटीफुल है इस तरह से आप ट्राउजर का पांचा भी बना सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है ये और पास जो ड्रेस है ये भी क्रिमसन का आर्टिकल है बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है ये इसका ये इसकी नेकलाइन है जी नेकलाइन में फिक्स की भी है कुछ इस तरह से बहुत डिफिकल्ट ड्रेस था इसको काफी दिन लग गए हमें इसको एडजस्ट करने में ये देखे इस तरह से इसको बनाया गया है इसमें पिनटेक्स है देन उसके बाद इसमें लेस फिक्स हुई हुई है देन उसमें है, देन उसमें पिनटेक्स है है अगेन लेस फिक्स हुई हुई इसकी जो नेक लाइन है ये एम्ब्रॉयडर्ड है इसकी एम्ब्रॉयडरी को कट करके पहले प्लेन इसको जो है वो फैब्रिक को पिनटेक्स बनाए हैं देन अगेन इस पैच को इसके ऊपर एप्लिक करवाया है और पूरा का पूरा जो है वो इसको एडजस्ट किया है ये इसमें जो वी पट्टियाँ आ रही हैं ये सेपरेट सेपरेट पट्टियाँ थी इन सब को जो है वो लेस के साथ फिक्स किया है ये देखिए इस तरह से ये सब पट्टियां जो है ये पीसीज में थी इनको लेसिस के साथ जो है वो फिक्स किया है और साथ में इसके जो है वो इनर यूज किया है ये दिखे कलर ड्रेस का बहुत खूबसूरत है लाइट के साथ थोड़े डार्क डार्क से जो टोन आ रहे हैं बहुत अच्छे लगते हैं खासतौर पर पे पेरेट ग्रीन और पर्पल तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये दिखे यहाँ पर इसमें नीचे लेस फिक्स हुई है साथ में ऑर्गेंजा यूज किया है साथ में ये ग्रीन कलर में जो है ये खुद लेस लेकर इसको डाई करवा के साथ फिक्स करवाया है ये वाली जो लेस है देन उसके बाद में जो है, ये भी के साथ नहीं थी इन सबको लेके जो है, वो है ये कुछ इस तरह से लेस है अब आपको साइड स्लिट्स दिखाऊंगी साइड स्लिट्स में कट वर्क में लेस है ये देखिए जो इसकी एम्ब्रॉयडरी आ रही है ये वाइट नहीं है ये ऑफ वाइट सा टोन है तो उसी टोन में हमने जो है वो लैस को फिक्स किया है डाई करवा के ये देखिए इन साइड फैशन के साथ इसके साथ भी सिल्क में फैब्रिक बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था सो हमने इसके साथ लॉन का फैब्रिक खरीदा था इसकी नीचे फैशन पट्टी के लिए ये देखें इस फैशन पट्टी वाली जो लॉन है ना इसकी भी अलग ही स्टोरी थी ये मैंने एक जेंट सूट में से कट करवाई थी क्योंकि मुझे कलर मिल ही नहीं रहा था लेकिन जेंट सूट में ये कलर था तो वहां से मैंने इसकी फैशन पट्टी खरीदी थी ये जो इसकी बैक नेक लाइन है इसमें जो है कुछ इस तरह से नेकलाइन बनी हुई है साथ में लेस टिक्स की हुई है ये देखें वही लेस जो फ्रंट में फिक्स की हुई ना वही लेस इसकी जो है वो नेक की बैक में फिक्स हुई हुई है ये बैक साइड पर मोटिव है फ्रंट की नेक में दो हैं एक छोटी है एक बड़ी है अच्छा अब आपको दामन दिखाऊंगी बैक दामन इसका बिल्कुल सिंपल है इसमें लेस लेस फिक्स फिक्स हुई हुई है 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 और स्लिट्स में भी जो है इसके जो इसके साथ वो ये देखें और इसके जो स्लीव्स हमने बनाए थे ना वो भी बड़े ही क्रिटिकल बनाए थे क्योंकि ऑर्गेंजा की डिजाइनिंग थी इसकी मॉडल पिक्चर में तो हमने इसकी बैक साइड से फेब्रिक उतार के उसकी सारी जो है वो पीसिस को जोड़ के इसके सारे पिंटेक्स पूरे किए थे मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें ये ऊपर की जो लाइन है इसकी इसमें जो है यहाँ एक मोटिव था जिसको इसके ऊपर करवाया हुआ है ये देखे इसका और जो इसकी एल्बो वाली जगह है यहाँ पर ये यह जो पैच है ये भी ड्रेस के साथ आया था इसको भी ज्वाइंट लेस के साथ फिक्स किया है अब आपको इसके मैं दिखाती हूँ इसलिए की ओपनिंग ये देखें ये वाला जो स्टफ है ना ये बहुत मुश्किल से हमने पूरा किया था ज्वाइंट लगा के और सामने इसके जो है ये लेस थी जो ड्रेस के साथ आई थी पट्टी और गेंजा तो एप्लिक करवाया है आप चाहें तो इसके सामने पर्स अटैच कर लें तो अच्छे लगेंगे ये इसका दुपट्टा है दुबट्टा भी इसका बहुत हार्ड था ये देखें यहाँ पर इसने सामने और अटैच करवाया है साथ में लेस फिक्स हुई हुई है ये देखें एम्ब्रॉयडरी वाली और ड्रेस के साथ आई थी और गेंजा जो प्लेन है वो इसके साथ एप्लिक करवाई हुई है सेपरेट ये देखें दुपट्टे के एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर और के थे तो उनको लेस के साथ फिक्स किया है ये देखें ये सारा का सारा लेस के साथ इसको जो है यहाँ पर फिक्स किया है और बाहर वाली साइड पर जो ऑर्गेंजा आ रही है ना ये ऑर्गेंजा एप्लिक करवाई है इसके साथ ये देखिए यहाँ से सारी की सारी ऑर्गेंजा जो है वो इसके साथ एप्लिक करवाई है इन साइड ये देखें यहाँ से ऐसे इसको कट वर्क करवा दिया इन साइड इसको बहुत नाइस दुपट्टा इसका जो है वो रेडी हुआ है लुक बहुत नाइस है जो बाहर वाली साइड पे ऑर्गेंजा अटैच करवाई है वो सॉफ्ट वाली ऑर्गेंजा है बहुत अच्छी लगती है प्योर ऑर्गेंजा है और ये जी इसके दुपट्टे की लुक है अब आपको दिखाऊंगी ट्राउजर ये जी इसका ट्राउजर है ट्राउजर इसका बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र है और इसका जो पांचा है तकरीबन 11.5 टू तो 12 इंच है और ये स्ट्रेट ट्राउजर है बिल्कुल ट्राउजर की बेल्ट फ्रंट प्लेन बैक लास्टिक है कुछ इस तरह से अब आपको दिखा रही हूँ ऑल ओवर लुक ये इसकी ब्यूटीफुल नेक लाइन है और ये इसकी स्लीव है ये देखिए ये नेक लाइन है इसकी और ये सारे आपको लेसिस और पिंटेक्स क्लियर नजर आ रहे होंगे ये देखिए ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल रेडी हुआ है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये इतना अच्छा रेडी होगा क्योंकि इसमें इतने जॉइंट्स थे मुझे ये इशू हो रहा था कहीं ये ना हो कि इसमें बल वगैरह आ जाए लेकिन ये बहुत अच्छा रेडी हुआ ये देखें जी ये सारे के सारे जॉइंट्स हैं इसके उनमें सब लेसिस फिक्स हुई हुई हैं ये इसका दुपट्टा है ये दुपट्टे के देखें कटवर्क कितने नाइस हैं ट्राउजर का पांच सिंपल है इसके साथ और ये मैं आपको इसका दामन दिखाती हूँ दामन भी इसका बहुत ब्यूटीफुल रेडी हुआ है ये देखिए ये देखें जी ये इसमें लेस फिक्स हुई हुई है ये लेस लेके डाई करवाई हुई है दोनों साइड पर और गेंजा है और गेंजा भी डाई करवाया है इसके साथ दुपट्टे की फॉल दिखाती हूं, ये देखें जी ये दुपट्टा है और ये दुपट्टे की जो फॉल है उसको कटवर्क करवाया हुआ है सारा का सारा आई होप जी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दुआ में याद रखिएगा टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज